ये बस एक लैटरल रेज ही था। लग रहा है मुझे डेल्टोइड्स काफ़ी पंप हो चुके हैं, मेरा कट अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। मेंस फिजिक कैटेगरी में जो आपका बॉडी सबसे जो डोमिनेट करता है, जो जिस पार्ट को लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं, कौन सा पार्ट है वो? शोल्डर्स। मैं बहुत ज़्यादा वार्म अप पे ध्यान व्यान नहीं देता हूँ, और स्टार्टिंग वार्म अप तो मैं बिल्कुल करता ही नहीं, डायनामिक करता हूँ, मतलब ऐसे स्ट्रेच व्रेच घूमने उगने वाले, क्योंकि एक जगह पे खड़ा रह के मैं बोर हो जाता हूँ। रिसेंटली बैक में बहुत दिक्कत हो रहा था, लोअर बैक में, तो बहुत लोगों से सजेशन सुना कि आप कपिंग वपिंग से बेटर है कि फोम रोलिंग करो, तो फोम रोलिंग मैं ट्राई कर रहा था। लेकिन फोम रोलिंग में एक दिक्कत क्या हो रहा है, ये जो कॉटन वाले टी शर्ट्स हैं ना, इसके अंदर वो चिपक जाते हैं, तो जब उसके ऊपर आप रोल करते हो ना अपने बॉडी को, तो वो लग जाते हैं, वो रबर का है और ये कॉटन का है, वो चिपक जाते हैं। सो मुझे लगता है अगर आप कोई स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे नायलॉन वायलॉन पहनते हो तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। शोल्डर में लैटरल रेज मेरा सबसे फेवरेट मूवमेंट है। डेल्टोइड वो 3D डेड्स वाला लुक आता है, वो लैटरल रेज से ही आता है। लैटरल रेज में मैं हाथ को, मतलब केबल को पूरा नीचे नहीं करता, जहाँ पे हाथ स्टार्ट हो रहा है ना वहीं पे रखता हूँ केबल को, और वहाँ से स्ट्रेच स्टार्ट करता हूँ। जेफ निपर्ड से मैंने ये ट्रिक सीखा था। जब तक मसल में वो फील नहीं आ रहा है ना, आपका ईच एंड एवरी डेल्टोइड फील नहीं हो रहा है ना, तो आपको तब तक वार्म करते रहना है, उसको मैं फील सेट्स बोलता हूँ। जब आपको फाइनली फील आने लगे तो आप ये वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। ये वाला अगर अटैचमेंट है तो इसको यहाँ पे पूरा फोर आर में से लगा देना, और मूवमेंट बहुत कम होगा इतना सा, लेकिन इसमें एल्बो का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है। सो दो फायदा होता है, एक तो एल्बो पे प्रेशर नहीं आता है, और दूसरा आपके डेल्टोइड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। वो जो एक मशीन होता है ना, इस टाइप के पर्टिकुलर मशीन्स होते हैं जिम में, अगर वैसे मशीन्स हैं और आपको उस पर फील अच्छा आ रहा है तो वो ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जुगाड़ आप देख सकते हो, सेवनटीन गए इसमें। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, मिरर को फेस करके किया करो, क्योंकि मैंने देखा है अगर मैं मिरर को फेस करता हूँ तो कहाँ पे मेरा ट्रैप्स एंगेज हो रहा है, किस एंगल पे, वो मैं नोटिस कर पाता हूँ। जो कि माइंड मसल कनेक्शन अगर उतना लेवल का अच्छा है तब आप बिना मिरर नोटिस किए वो आप जान सकते हो, अदरवाइज़ आई वुड से कि मिरर की ओर देख के करो। ये बस एक लैटरल रेज ही था। लग रहा है मुझे डेल्टोइड्स काफ़ी पंप हो चुके हैं, मेरा कट अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। 75 kg में हूँ अभी मैं, 5'7" हाइट पे, जो कि मेरे बॉडी वेट से 7-8 kg ऊपर है। मैं 69 के आसपास रहता हूँ नॉर्मली। सोलो अगर चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऑडियो होता है ज़ीरो, मतलब आपने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन माइक ऑन नहीं था। कितना टाइम लगेगा, कभी भी आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि 2 घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा। तो मैं खाना पर्टिकुलर एक 2 घंटे के हिसाब से खा के आता हूँ, प्री वर्कआउट उसी हिसाब से लिया हुआ होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है शूट के टाइम कुछ ना कुछ होता है, इधर बैटरी ख़त्म होता है, माइक का दिक्कत होता है, एक शॉट्स को 3-4 बार लेना पड़ता है। बेटर है कोई बनाना या फिर कोई प्रोटीन कुछ भी अगर साथ में लेके आ रहे हो खाने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक प्रैक्टिकल दिक्कत आपको आएगा वो है पंप का, मतलब आप अगर कंसिस्टेंटली पर्टिकुलर एक टाइम रेस्ट को दे रहे हो, मतलब जैसे 3-4 मिनट रेस्ट दे रहे हो और उसके बाद कर रहे हो, और हर सेट ऐसे 3-4 मिनट रेस्ट में जा रहा है, तो कंसिस्टेंटली आपका हार्ट रेट एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा और पर्टिकुलर अमाउंट का ब्लड उस मसल्स पे जाएगा जिस पे आपको वो मसल फुलर लगेगा, उसको पंप बोलते हैं।
बट अगर आप खुद से रिकॉर्ड कर रहे हो, सेट करने में, ये करने में आपको अगर थोड़ा टाइम लग गया इन बिटवीन सेट्स, तो नेक्स्ट वाले सेट में उतने अच्छे पंप नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, नीचे जब मैं लैटरल रेस कर रहा था मुझे बहुत अच्छा पंप फील हुआ, लेकिन अभी मैं जब डंबल प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है सेट करने में, कैमरा वैमरा एंड एवरीथिंग एंड ऑल, तो अभी पंप थोड़ा रिड्यूस हो गया है, बट दैट्स नेचुरल, उस पर इतना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। टू बी फेयर, जो मैं डंबल प्रेस अभी कर रहा था, दैट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट मूवमेंट, उस पर मुझे उतना वो मूवमेंट इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ दिन अच्छा लगता है। स्पेशली मैंने देखा है इस जिम में, इस बेंच के साथ जिस बेंच में मैं कर रहा था और ये वाले डंबल के साथ मुझे फील नहीं हो रहा है। आप ये सोच सकते हो मैं नीट पिकिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत मैटर करता है, एनवायरनमेंट, बेंच सेटअप, जो वाइब होता है वो भी मैटर करता है। बट टू बी फेयर, डंबल प्रेस मूवमेंट अगर मैं, मेरे को कोई एलिमिनेट करने बोले, देन आई विल हैप्पीली एलिमिनेट इट। एक कंपाउंड मूवमेंट रहना चाहिए, दैट्स व्हाई आई जस्ट डू इट। इस जिम में 50 जगह फैन लगा रखा है, सो अगर सांस आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर कर लेना। वैसे मैंने लैपल माइक लगा रखा है जो कि मुझे लगता है थोड़ा बेटर क्वालिटी देना चाहिए। डायरेक्टली अगर ट्रांसमीटर को यहाँ पे लगाता हूँ उससे अच्छा है लैपल माइक है, ये बेटर साउंड देगा। ये सिग्मा का जो 30mm लेंस में, इसमें दिक्कत क्या पता है, बहुत दूर रखना पड़ता है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से इस तरह के फुटेज के लिए मैंने इसको 2, 4, 6, 8, 10 फीट दूर ही, 10 फीट दूर होगा, 8 फीट के आसपास दूर होगा। सो अभी मैंने अपना प्रेस मूवमेंट ख़त्म कर लिया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया प्रेस मूवमेंट में जितना मज़ा मुझे लैटरल रेज में आया था। मैं बहुत बार सोच के आता हूँ कि इस बार डंबल प्रेस नहीं करूँगा, मशीन पे कर लूँगा, पर पता नहीं क्या होता है मैं एक, हाँ बेल्ट बहुत हेल्प करता है लास्ट में, अगर 5 या 6 सेट, 2-3 वार्मअप 3 वर्किंग सेट में, लास्ट वाला जो वर्किंग सेट है उस पर बेल्ट लगा लो, बाकी दोनों में नहीं लगाओगे तो कोर थोड़ा आपका स्ट्रेंथ होगा, मतलब स्ट्रेंथन होगा। बहुत लोगों का एक चीज़ देखा है, मेरा है ये चीज़, मसल इम्बैलेंस तो पता है सबको, लेकिन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस होता है। जैसे कि मेरा राइट, अगर मैं सीधा खड़ा होता हूँ ना, तो मेरा ये राइट वाला जो शोल्डर है ना वो झुक के रहता है। अब जब मैं फ्रंट की तरफ देख रहा हूँ, जैसे कैमरे में अभी मैंने स्क्रीन को यहाँ पर रोटेट किया हुआ है और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे उठा लेता हूँ, बट जब भी मैं अनकॉन्शियसली कुछ भी करता हूँ ना, मैं ऐसे कर देता हूँ। बहुत सारे फुटेज इसके लिए गंदा दिखता है। अब इसको कैसे ठीक करना है वो मैं, वो प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, पोस्चर मिरर में बहुत बार देखना है, कॉन्शियसली आपको बहुत बार ऐसे शोल्डर को एडजस्ट करने हैं। सैडिक हेड्जोविक करके, हेड्जोविक समथिंग लग जाए, सैडिक जो बॉडी बिल्डर है उनका भी मैंने देखा ये दिक्कत है। तो ये मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज प्रो बॉडी बिल्डर्स का भी हो रहा है, मतलब ये नेचुरल चीज़ है। बट थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया, वाइब एंड मशीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस जिम में जो पेग डेड फ्लाई मशीन है उस पर मैं अगर रियर डेल्ट करता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील आता है। सो इस जिम में मैं जब भी आता हूँ इस मशीन पर रियर डेल्ट करता हूँ, वेरेज जो मेरा दूसरा वाला जिम है जिस पर लास्ट ब्लॉग देखा होगा आपने, उस पर मैं कभी भी इस पेग डेड फ्लाई मशीन पर रिवर्स पेग डेड फ्लाई नहीं करता, वहाँ पर मैं रोप पुल कर लेता हूँ, बिकॉज वो मशीन बायोमेकैनिकली मुझे सूटेबल नहीं लगता है। ये चीज़ सबके साथ होता है, तो कीप दैट इन माइंड, और क्या बोलता है वही, कीप दैट इन माइंड। इस कैमरे में फ्रेम घूम जाता है, सॉरी स्क्रीन जो है ना वो घूम जाता है, स्टिल आपको सेट करने में जो प्रॉपर एंगल बहुत टाइम लगता है। एक प्रो टिप दूंगा जो खुद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, कैमरे को ना हमेशा एक एंगल पे रखो, डायरेक्टली सीधा ना रखे, अगर एक एंगल पे रखोगे जैसे मैंने अभी रखा है, वो थोड़ा आपको नेचुरल फील देगा, अदरवाइज़ वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है, लगता है कि जानबूझ के रखा गया है, मतलब जानबूझ के हम लोग रख रहे हैं कैमरा, बट ये थोड़ा आपको नेचुरल फील देगा। Ah
मैं बताना चाहूँगा, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा ना जिम आने के बाद कि आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन करेंगे, या फिर आज मूड अच्छा नहीं है। आपको हज़ारों बहाने मिलेंगे आज ना शूट करने का। बिलीव मी, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, आज भी हुआ था। बट आप कुछ भी कैसे करके 10-15 मिनट जस्ट स्टार्ट विथ इट, जस्ट गो विथ इट बोलते हैं ना, वैसे करो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप फोकस्ड होने लगोगे। और 2 या 3 घंटे का सेशन कब ख़त्म हो जाएगा शूटिंग विथ वर्कआउट आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं पढ़ाई में जब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था तब भी यूज़ करता था ये मेथड। स्टडी, स्पोर्ट्स, कोई भी, सुबह उठ के जॉग पे जाना, कुछ भी आपको करना है ना, जस्ट पहला 10 मिनट बेयर विथ इट, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे ये लास्ट सेट है, थोड़ा हैवी लगा दिया तो मैंने बेल्ट लगाया इसको। बेल्ट लगाने से क्या आता है, ये सपोर्टेड मूवमेंट नहीं है, आपको खड़ा होना है, सो आपके हिप, लोअर बैक स्ट्रेन आ सकते हैं, तो थोड़ा ये आपको ब्रेस करेगा कोर को, थोड़ा ऊपर लगा देंगे और भी अच्छा है। सच जो एब्स के मशीन में पहले मैं पता नहीं यहाँ पे 20-22-25 केजी तक लगा के क्रंचेस मारता था, लेकिन अगर आप सही से करोगे ये 10 केजी भी बहुत है। ज़्यादा वेट लेने से आपका हिप, लोअर बैक, ये सब आने लगता है। एक तो इंजरी होगा, दूसरा एब्स पे स्ट्रेस भी कम आएगा। आपको लग रहा होगा मैं 25 केजी कर रहा हूँ बट इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। पर इस पे क्या होगा, आपको पर्टिकुलर एब्स पे ही ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर रियर डेल्ट्स एंड फोर आर्म्स टू, फोर आर्म्स में भी। अभी डायलॉग मार रहा था कम वेट के बारे में, 5 केजी बढ़ाया, एक्चुअली काफ़ी हल्का था। एप्स के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, कहीं मशीन मिल गया कर लेता हूँ, कहीं कोई कर रहा है सेटअप लगा के मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। कोई खाली जब से कैमरा लिया ना, वीडियो, छोटे मोटे वीडियो करने का भी मूड आ रहा है, बिकॉज क्वालिटी टॉप नॉच, कुछ नहीं कर रहा है, ऑटो पे रखा है सब चीज़, बट स्टिल इतना अच्छा दिख रहा है। एंड में एक सजेशन दूंगा मैं, कार्डियो हर दिन रखो। मैं कार्डियो के, हार्ड कोर कार्डियो अगेंस्ट था, टू बी फेयर मसल, मतलब सॉरी, जो स्ट्रेट करने के लिए या फिर आपको कट करने के लिए या फिर डेफिनेशन के लिए, आपको फैट लॉस, जो भी आप सुन रहे हो ना, उसके लिए कार्डियो ज़रूरत नहीं है। बट द पर्पज़ इज़ आपको एक्टिव रखेगा ये, हर वक्त वेट लिफ्टिंग करोगे ऐसे तो बॉडी आपका स्टिफ होने वाला ही है, बट उसके साथ लेथर्जिक भी हो जाएगा बॉडी। कार्डियो करते रहोगे तो थोड़ा एक्टिव एक्टिव फील होगा। हर दिन एंड में मैं 20-25 मिनट बस इंक्लाइन पे चलता हूँ, बाकी ऐसा जैसा कुछ चुटपटांग चीज़ नहीं करता। टोटल आज 2 घंटा 48 मिनट्स लगा जिम में रहा हूँ मैं, 826 कैलोरी एज़ पर माई एप्पल वॉच, और बैटरी अभी है 4%। मतलब टाइमिंग देखो।